तो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग, होल न्यू व्लॉग। अभी सुबह के बज चुके हैं 4:30 और हम पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं नोएडा टू देहरादून जाने के लिए। तो वेडू एक्साइटेड है? हाँ एक्साइटेड है। वेडू कितना एक्साइटेड है? पॉकेट पे कार रखे हैं। वेदू इतना ज़्यादा एक्साइटेड है गाइस कि वेदू ने ना पॉकेट में कार रखी हुई है। और जल्दी से मैडम का भी फीडबैक लेते हैं कि इज शी एक्साइटेड और नॉट। सो मैडम आर यू एक्साइटेड? सो शैल वी क्रूज? तो चलिए लेट्स गो। तो गाइज अभी तक का सीन ऐसा है कि हम पहुंच चुके हैं मेरठ। एक्चुअली पहुंच ही चुके हैं, मेरठ क्रॉस कर रहे हैं और बस गाड़ी को थोड़ी सी खुराक देंगे। खुराक से मुझे ध्यान आ रहा है, आप लोगों ने सुना होगा पहले ना हमारे कानपुर में जो टेम्पो होते थे उसमें लिखा होता था कम खाओ रानी महंगा है इराक का पानी। तो अगर देखा जाए ना इराक का पानी वाकई में बहुत महंगा है और मोदी गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल मतलब आग लगा दी भाई साहब, आग लगा दी है। तो बस जल्दी से गाड़ी को खुराक देते हैं और फिर इसके बाद आगे निकलते हैं। अभी हम लोग मुजफ्फरपुर को क्रॉस कर रहे हैं और नेक्स्ट क्या आएगा? रुड़की। हाँ नेक्स्ट रुड़की आएगा। तो मनसा देवी की जय बोलते हुए, जैसा रानू बता रही है आपको कि हम मुजफ्फरपुर या मुजफ्फरनगर क्या है बाबू, कंफ्यूज हो गए जो भी है, जो चाहे वो मुजफ्फरपुर हो चाहे मुजफ्फरनगर हो गए। तो फिलहाल हम वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं और अभी तक की जर्नी हमारी बहुत अच्छी जा रही है। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि हम वाया हरिद्वार देहरादून की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो रुड़की आएगा, फिर रुड़की के बाद हरिद्वार, देन फिर उसके बाद आगे देहरादून। तो अभी टोल आया है, अभी फिलहाल टोल आया है। तो अभी तक की फिलहाल जो फास्ट टैग होता है मगर फिर भी टाइम लगता है, जब तक वो गाड़ी को स्कैन करता है तब तक समय लगता है। लो जी खुल गया, नाउ यू कैन स्टार्ट। हाँ जी, तो अभी तक की हमारी जो एवरेज स्पीड रही है वो रही है ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर पर आवर। कहीं कहीं हमने 100 पर टच किया है, कहीं कहीं हम 85-90 के बीच में हैं। तो मोर और लेस 80 किलोमीटर की स्पीड हमारी मेंटेन है और मज़ेदार जर्नी है अभी तक। वेदू बहुत अच्छा है, मजा आ रही है। वेदू को मजा आ रही है? वेदू दबा दबा के ओरियो बिस्किट खा रहा है, दबा दबा के ओरियो बिस्किट खा रहा है। कोई इसका मुंह देख लेना, मुंह एकदम अंदर से चॉकलेट वाला डार्क काला हुआ पड़ा है। तो बस चलिए गाइस, लेट्स हेड टुवर्ड्स देहरादून वाया हरिद्वार। तो गाइस अभी तक का सीन ऐसा है कि हम रुड़की क्रॉस कर चुके हैं और अभी हम जिस हाईवे पे खड़े हुए हैं, ये मेरे पीछे आप हाईवे देखिए,
ये डायरेक्ट हरिद्वार के लिए जा रहा है। और मेरे पीछे जो है ना, मेरे पीछे बहुत अच्छी जगह है क्रिस्टल वर्ल्ड करके। जब हम हरिद्वार से वापस दिल्ली की तरफ जाते हैं तो ये हमारे, ये हम लोगों का पेट पॉइंट होता है, हम लोग यहीं पे रुकते हैं। और बस अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली पहले क्या था, पहले जो हरिद्वार के लिए रूट था वो रुड़की शहर के अंदर से होकर के आता था, बट अब क्या इन्होंने एक एलिवेटेड हाईवे बना दिया है जिससे आपको रुड़की सिटी के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप बाहर बाहर हाईवे से चढ़ के आ जाते हैं। इससे दो चीज़ें बड़ी अच्छी हुई, एक तो ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिलता आपको और टाइम आपका कम हो जाता है, फ्यूल कंजम्पशन भी कम हो जाता है। तो ये है गाइस, बस चलिए चलते हैं फटाफट और कुछ ही देर में हम हरकी पौड़ी पहुँचेंगे। हालांकि हम हरकी पौड़ी जाएंगे नहीं क्योंकि हमें जाना है देहरादून, तो हम दूर से ही आपको हरकी पौड़ी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये पतंजलि बाबा रामदेव का, पतंजलि योग पीठ, यो यो पतंजलि यूनिवर्सिटी, पतंजलि प्रोमाइसिस पूरा। आप देखो ये ऑडिटोरियम है, वो उधर सारे पतंजलि वालों के सारे फ्लैट्स हैं, सब हैं, सारी चीजें हैं, काफी बड़े उसमें फैला रखा है ना इन्होंने, काफी बड़ा प्रोमाइसिस है। हरिद्वार, यू कैन फील द फ्रेश एयर, यहाँ पे इतना अच्छा लगता है, छोटे छोटे घाट भी हैं और बहुत अच्छे से साफ सुथरे, आप फील करोगे कि हाँ आप हरी के द्वार में हो, हरिद्वार मीन्स हरी का द्वार, तो है ना अच्छा लगता है ना, बहुत ज्यादा ऐसे पानी गंगा जी को देख के लगता है डुबकी मारे। आज ये हमारा 14वां चक्कर है, दिस इज 14th टाइम इन अ रो दैट कि हम हरिद्वार में हैं या हरिद्वार के थ्रू हम कहीं आगे जा रहे हैं। अभी हम वापसी में यहाँ पे आएंगे, बिना यहाँ पे रुके हुए हमारा खुद मन नहीं मानेगा और हम बिना रुके हुए जा ही नहीं सकते वापस, है ना, तो हम वापसी में आ रहे हैं। हाँ यार बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। यहाँ से आप फील कर सकते हो कि आप माउंटेन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आप यहाँ से आपको पूरे माउंटेन्स की पूरी रेंज है ना वो आपको दिखने लगेगी, लाइन से सारे, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे वाकई में। सारे हर जगह जगह बाबा दिखेंगे आपको, हर चीज धार्मिक दिखेगी, बहुत अच्छा लगता है, ब्लेसिंग सा फील होता है ना, काफी अच्छा लगता है। इस तरफ है मनसा देवी एंड उनके ठीक सामने है चंडी देवी जी का मंदिर, तो हम वापसी में आते हैं, देखते हैं किसके दर्शन हमें बधे हैं उनके दर्शन करके। तो गाइस लीजिए, दूर से ही आपको मनसा देवी जी के दर्शन करा देते हैं। ये जो सामने आप और मंदिर देख रहे हैं एग्जैक्टली ये मनसा देवी जी का मंदिर है। अगर माँ का आशीर्वाद होगा तो जब हम वापस यहाँ से जाएंगे, देहरादून से वापस जाएंगे नोएडा की तरफ, तो मनसा देवी जी के दर्शन करेंगे। ये देखिए, ये है मोतीचूर रेंज और इस ये जो पूरा जो जंगल है पूरा राजाजी नेशनल पार्क है। एक बार जब हम इधर से निकल रहे थे ना तो हमें हाथियों का झुंड दिखा था और बड़ा अच्छा लगा था। और ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हो, चाहे वो इधर का एरिया हो चाहे वो इधर का एरिया हो, ये पूरा का पूरा राजाजी नेशनल पार्क के अंडर आता है और यहाँ पे रेगुलरली जो है लेपर्ड या एलिफेंट्स दिखते हैं। किसका बेटा है? ये
किसका बेटा है? वेदू किसका बेटा है? बकीरा का बेटा। ये देखिए इन दोनों को पता नहीं क्या मस्ती हो रही। हाँ भाई क्या मस्ती चल रही है आप लोगों की? वेदो को शुशु कराने ले गई थी। भैया करिए शुशु। वेदो हल्के होके आए हैं। अरे वाह भैया लौंडे का चश्मा देखिए हमारा जरा। लौंडे का चश्मा देखिए आप कहते ही जहर। चले चलो लेट्स गो। तो गाइस लीजिए हम पहुंच चुके हैं अपने होटल में देहरादून में। बहुत अच्छी लोकेशन पे है और एग्जैक्ट पीछे हमारे लिफ्ट और ये रूम्स हैं। ये सारे ये देखिए ये सारे लॉबी में रूम्स और ये रहा हमारा रूम रूम नंबर 101। तो गाइस अभी तक की हमारी यात्रा ना बहुत अच्छी रही और आई होप आपको भी काफ़ी मज़ा आया होगा हमारी आज की ट्रिप नोएडा टू देहरादून वाया हरिद्वार अब होती है कंप्लीट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक दीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्द बहुत ही क्विक और आज के व्लॉग को करते हैं एंड। सो नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय।